are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। साउथ कोरिया बीटीसी प्राइस ETH के पास पहुंचने के बाद स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल पर विचार कर रहा है। हांगकांग इस साल न्यू वेब 3 और डिजिटल युआन इनिशिएटिव्स को शुरू करे। कॉइनबेस CLO ने SEC के खिलाफ लड़ाई में बम स्टॉक गन केस का इस्तेमाल किया। ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज और ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स के अनाउंसमेंट करता है डी-डॉलराइज्ड के लिए। फैंटम्स ने मल्टीचेन $130 million एक्सप्लॉइट में रिफंड्स के लिए प्रपोजल खोला। बिटकॉइन ETF इश्यूअर्स वैनिक के यूरोप में ह्यूज क्रिप्टो ग्रोथ गोल्स हैं। क्रिप्टो पेमेंट स्पेशलिस्ट बैनेक्स ने $20 million फंडिंग राउंड रेस किया। लुइजियाना ने BTC प्राइस रैली को $68,000 के बीच बिटकॉइन राइट्स ऑन बिल इंट्रोड्यूस किया। टेथर ने USDT को अलग ब्लॉकचेन्स के बीच माइग्रेट करने के लिए रिकवरी टूल लॉन्च किया। प्रूफ ऑफ टॉक लॉवरे पैलेस में वापस आता है एज एजेंडा सेटिंग इवेंट फॉर Web3। टेलीफॉर्म लैब्स ने SEC's अब्सर्ड ऑब्जेक्शंस टू रिट्रेन स्टॉप लॉ फर्म्स के लिए डिफेंड किया। NFT बुल्स वापस गेम में एज मैजिक एडन हिट्स $50 million डेली सेल्स। बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ग्लोबल इंटरेस्ट के सर्च के बीच साउथ कोरिया एक महत्वपूर्ण क्रॉस रूट्स पर खड़ा है। देश के फाइनेंशियल अथॉरिटीज के रीसेंट डिस्कशंस से स्पॉट बिटकॉइन ETF अलाउ करने की संभावना का संकेत मिलता है। हांगकांग ने अपनी 2024-25 बजट के हिस्से के रूप में न्यू Web3 और डिजिटल युआन इनिशिएटिव्स की एडवांसमेंट को डिटेल किया है। हांगकांग फाइनेंशियल सेक्रेटरी पॉल चान ने एक स्पीच में कहा कि शहर स्टेबल कॉइन्स के लिए एक Web3 सैंडबॉक्स को तेजी से लागू करेगा और अपने डिजिटल फाइनेंस पॉलिसीज के एक हिस्से के रूप में डिजिटल युआन पैलेट को एक्सपैंड करेगा। कॉइनबेस एक चीफ लीगल ऑफिसर पॉल ग्रेवर कॉइनबेस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के बीच चल रही लीगल बैटल में एक बोल्ड स्टांस लिया है। उन्होंने SEC के खिलाफ कई ऑनगोइंग लॉसूट्स के बीच बम स्टॉक गन्स को लेकर एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट केस से पैलेस ड्रॉ की। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इजिप्ट इथोपिया ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को शामिल करता है। डिजिटल करेंसीज और ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम का क्रिएशन अनाउंस करता है। 6 जुलाई 2023 को क्रिप्टो करेंसी दुनिया एक सिग्निफिकेंट एक्सप्लॉइट से हिल गई। इन्वॉल्विंग द मल्टी चेन ब्रिज इज एक्सप्लॉइट से ब्रिज से सब्सटेंशियल आउटफ्लोज हुए। पूरी इंडस्ट्री में अलार्म्स बजाने लगे। इस एक्सप्लॉइट्स को कॉन्सिक्वेंस में मल्टी चेन प्रोटोकॉल ने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करने का डिफिकल्ट डिसीजन लिया। इस सिचुएशन की सिवेट्री को और हाईलाइट करते हुए 69-year-old एसेट मैनेजर वैनिक जो न्यू फैंगल्ड इन्वेस्टमेंट्स को कस्टमर्स तक लाने का इतिहास रखता है अपने यूरोपियन डिविजन्स में क्रिप्टो को रोल क्या होगा उसके लिए हाई होप्स रखता है। UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट्स स्पेशलिस्ट बैंक्स ने एक $20 million सीरीज ए फंडिंग राउंड रेस किया, कंपनी ने ट्यूजडे को कहा। लुइजियाना 11th स्टेट बन गया है जो ऑफिशियली बिटकॉइन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करता है। लुइजियाना स्टेट रेप मार्क राइट द्वारा स्पॉन्सर्ड बिल बिटकॉइन यूजर्स के लिए वेरियस प्रोटेक्शंस को हाईलाइट करता है, उन्हें डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम के साथ एंगेज करता है, राइट रीइंफोर्स करता है। यह अपडेट फिनोमिनल बिटकॉइन प्राइस रैली बियॉन्ड $68,000 के बीच आता है।